Question on type 3, that is evaluate xy into x plus y dx dy over area bounded between the curves y is equal to x square and y is equal to x. In the previous question we have drawn the circle out there. Mere paas ek hi curve thi to maine ek circle ko draw kar liya tha, but yahan mere paas do curves hain, to aapko do curves identify draw karni hai. To start karte hain. Sabse pehla kaam to trace the curves hi hai, to start karte hain. Solution. Now द गिवन इक्वेशन, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी वो कर्व है उनको ट्रेस करना है. ट्रेस करने के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो किस तरह की कर्व्स है. नाउ द गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए यहाँ पे, जब भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ये कैसे पता लगेगा, जनरली पैराबोला की चार इक्वेशन होती हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई. तो दीज आर दी फोर इक्वेशंस ऑफ पैराबोला. अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा तो एक्स और वाई वेरिएबल है, एक वेरिएबल की पावर सिंगल है और एक वेरिएबल की पावर डबल है. तो यहाँ वाई की पावर वाई स्क्वायर है, इन दोनों में एक्स की सिंगल है और यहाँ एक्स की डबल है, वाई की सिंगल है. तो सिंपल ही बात है, जब भी एक वेरिएबल की पावर सिंगल हो और दूसरे वेरिएबल की पावर डबल हो, स्क्वेयर हो, देन इट इज ए पैराबोला. इन द सेम क्वेश्चन, द सेम सिचुएशन इज ओवर हियर कि आपकी एक्स की पावर डबल है और वाई की पावर सिंगल है. तो ध्यान रखिएगा फ्यूचर में, जब भी एक वेरिएबल की पावर सिंगल आए और दूसरे वेरिएबल की पावर आपकी स्क्वेयर आए, देन इट विल बी ए पैराबोला. नाउ द गिवन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर रिप्रेजेंट्स ए. अब पैराबोला भी तो आपके चार टाइप के होते हैं. अब पैराबोला किस टाइप का है ये उसको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा ध्यान से देखें. मैंने बताया एक पे स्क्वेयर होगा और एक पे स्क्वेयर नहीं होगा. तो ठीक है, जिस पे स्क्वेयर नहीं होगा, यहाँ एक्स पे नहीं है और यहाँ वाई पे नहीं है, उस एक्सिस पे बनता है. तो चार पैराबोला होते हैं बच्चे, एक राइट, एक लेफ्ट, एक अपर और एक लोअर. राइट पैराबोला, लेफ्ट पैराबोला, अपर पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला. तो जो राइट पैराबोला होता है दैट इज y square is equal to 4ax. जो लेफ्ट होता है दैट इज y square is equal to minus 4ax. जो अपर होता है दैट इज x square is equal to 4ay एंड जो डाउनवर्ड होता है दैट इज x square is equal to minus 4ay. तो एक सिंपल सा थंब रूल है, जिस एक वेरिएबल के ऊपर डबल पावर है, एक के ऊपर सिंगल है, तो जिसके ऊपर सिंगल है, यहाँ x के ऊपर सिंगल है, यहाँ y के ऊपर सिंगल है, उस एक्सिस पे बढ़ेगा वो. तो यहाँ x x x के ऊपर सिंगल है तो या तो वो राइट बनेगा x एक्सिस पे या वो लेफ्ट बनेगा. प्लस है तो राइट बनेगा, नेगेटिव है तो राइट लेफ्ट बनेगा. सिमिलरली यहाँ सिंगल किस पे है पावर, y पे, तो y है तो y एक्सिस पे बनेगा, तो या तो अपर बनेगा या लोअर बनेगा. अगर आप पॉजिटिव है तो अपर बनेगा और नेगेटिव है तो लोअर बनेगा. सिमिलरली यहाँ, यहाँ आपके पहले तो एक पे स्क्वेयर है, एक पे नहीं है, तो ये पैराबोला है. दूसरी बात, स्क्वेयर किस पे नहीं है, वाई पे, तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे आएगा. तो अगर साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब दोनों के तरफ के साइन सेम है, देन इट विल बी अपर, एल्स इट विल बी लोअर. तो नाउ द गिवन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट से अपर पैराबोला. दो जी, आई एम ड्रॉइंग द पैराबोला एज इट इज एज वेल साइड बाय साइड सो दैट यू विल हैव अ मोर आइडिया अबाउट इट. दैट इज वाई इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. तो मैंने एक पैराबोला ड्रॉ करना था, वो मैं ड्रॉ कर चुका हूं. तो दैट इज योर इक्वेशन वन. नाउ द अदर इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स. आपको पता है जब भी सिंगल पावर आएगी x और y की, इट विल ड्रॉ ए लाइन रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन. तो एक्स और वाई दोनों की सिंगल पावर है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. ठीक है, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी, कट कैसे करेगी इसको,
तो उसके लिए बेटर है पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। सबसे पहले तो कर्व्स आइडेंटिफाई करें कि कर्व कौन कौन सी है, एक पैराबोला है और एक लाइन है। दूसरी बात है वो कटिंग किस तरह से एक दूसरे को, उसके लिए आप क्या करें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, आपको इक्वेशन वन और इक्वेशन टू के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, किसी एक से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं यहां क्या कर रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन वन इंटू इक्वेशन टू, किसी एक से या तो इससे यहां से एक्स या वाई की वैल्यू निकालिए इसमें पुट कर दीजिए, या यहां से निकालिए इसमें पुट कर दीजिए, वन एंड सेम थिंग। तो मैं वाई इस यहां से वाई की वैल्यू मैंने निकाली एक्स स्क्वायर, मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। याद रखिएगा वेरिएबल से वेरिएबल कभी कैंसिल नहीं करने, कभी यहां एक्स से एक्स काट दो आप लोग। मैंने एक तरफ किया उसको, एक्स कॉमन लिया, आपको पता प्रोडक्ट जीरो है, या तो फर्स्ट टर्म जीरो होगी या सेकेंड टर्म जीरो होगी। अगर यहां एक्स जीरो आएगा और यहां से एक्स वन आएगा। अगर आपको अब इस x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, आइदर फर्स्ट और सेकंड, अगर फर्स्ट में पुट करेंगे तो x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो y भी जीरो ही आएगा, और x की वैल्यू वन पुट करेंगे तो y वन आएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया आपके, जीरो जीरो एंड वन वन। तो अल्टीमेटली आपकी जो पैराबोला और लाइन है वो आपके दो जगह पे काटेंगे, एक जीरो जीरो पे, दिस इज जीरो जीरो, लेट्स सपोज वन वन इज दिस वन। मैं थोड़ी फिगर वन वन थोड़ा दूर ले रहा हूँ, सो दैट वी विल हैव अ क्लियर कट आइडिया ऑफ द रीजन। तो ए स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू दीज टू पॉइंट्स, क्योंकि आपको पता है पैराबोला और लाइन जो है इन दो पॉइंट्स पे काट रही है, एक जीरो जीरो पे एक वन वन पे। तो दैट वाज योर सेकंड इक्वेशन वाई इक्वल टू एक्स। ओके पता लग गया यहां तक, दोबारा देख लेते हैं एक बात। आपको एक इंटीग्रेशन करनी है एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई की ओवर द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू एक्स, वो तो बाद में आएगी। पहले तो आपको कर्व सी ट्रेस करनी है, तो पहले मैंने फर्स्ट कर्व ली, वो अपर पैराबोला निकली, मैंने उसको ट्रेस कर दिया। सेकंड इक्वेशन को जनरली ट्रेस करने के लिए आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अच्छा आइडिया हो जाना चाहिए, तो दैट्स वाई मैंने पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाली इक्वेशन वन और टू के, किसी एक से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दीजिए, उसको सोल्व कर दीजिए, आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। तो यहाँ दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, इंटरसेक्शन आए वन जीरो जीरो एंड वन वन, तो एक जीरो जीरो था और एक वन वन, तो ये दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आए। इसके बाद हमने सिंपली लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि ये दोनों कर्व्स इन दोनों पॉइंटों पे काट रहे हैं, तो ऑब्वियसली लाइन जो है वो इन दोनों पॉइंट से क्रॉस करेगी। नाउ द पॉइंट इज हम ट्रेस द कर्व्स कर चुके हैं, नाउ वी विल हैव टू आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम विच वी आर सपोज्ड टू एक्सट्रैक्ट द लिमिट्स, मेरे को किस एरिया से लिमिट्स निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, हमें लेना है एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स, हमें वो एरिया चाहिए जो इन कर्व्स के बीच में बाउंडेड है। कर्व्स कौन सी, एक अपर पैराबोला और एक लाइन, इन दोनों के बीच में बाउंडेड है, घिरा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ ये रीजन ऐसा है जो एक तरफ से लाइन से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पैराबोला से घिरा हुआ है। आप कोई भी और रीजन देख लीजिए, वो दोनों तरफ से बाउंडेड नहीं है, बंद नहीं है, सिर्फ ये रीजन ऐसा है जो बंद है दोनों तरफ से, लेफ्ट तरफ से यानी आपके एक तरफ से उसको लाइन बंद कर रही है, बाउंड कर रही है, और ये दूसरी तरफ से उसको पैराबोला बाउंड कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इज डन, ट्रेस द कर्व। सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाई द रीजन, वी हैव आइडेंटिफाइड द रीजन। नाउ थर्ड पॉइंट इज वी आर सपोज टू एक्सट्रैक्ट द लिमिट्स बाय यूजिंग द स्ट्रिप, तो दैट्स आवर गोल नाउ कि हम कौन से स्ट्रिप यूज करते हैं। थर्ड स्टेप एक तरह से हो गया एक्सट्रैक्ट द लिमिट्स, एक्सट्रैक्ट द लिमिट्स। तो आइदर आई विल गो फॉर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप, लेट्स सपोज इन दिस वेरी केस आई विल यूज वर्टिकल स्ट्रिप, दैट्स माय कॉल अगेन। ओके तो मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप लगा देता हूं, जो भी आपका एरिया है, अब मैं यहां वर्टिकल स्ट्रिप यूज कर रहा हूं, दिस इज ए वर्टिकल स्ट्रिप, तो आपको लिमिट्स किसकी देगी, वर्टिकल स्ट्रिप किसकी लिमिट देती है, y की, तो मुझे y की लिमिट्स चाहिए, कहां पे, एंड्स पे, एक यहां पे
और एक यहाँ पे, ठीक है, मुझे लिमिट्स चाहिए y y की, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो आपको पता है जो बॉटम एंड है स्ट्रिप का वो टच कर रहा है पैराबोला को, तो यहाँ लिमिट्स कौन देगा, इस पॉइंट पे लिमिट्स कौन देगा, पैराबोला देगा। तो मैं पैराबोला के पास गया और यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लकीली वो डायरेक्ट ही निकल गई क्योंकि y की वैल्यू दे रखी है उसने। और इस पॉइंट पे अगर मुझे लिमिट चाहिए तो मैं लाइन के पास जाऊंगा और लाइन की इक्वेशन के पास गया, लाइन की इक्वेशन के पास गया, वो y इज इक्वल टू एक्स, लकीली उसने डायरेक्ट ही y की वैल्यू दे दी मुझे। तो मुझे इस पॉइंट पे y की वैल्यू चाहिए वो मुझे पैराबोला देगा, और इस पॉइंट पे जो मुझे y की वैल्यू है वो लाइन देगा। मैं उनकी इक्वेशन रिस्पेक्टिव इक्वेशन के पास गया और वहां से मैंने y की वैल्यू निकाल ली। तो मुझे पता है अब अप्लाई द लिमिट्स करना है, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है, करें लिमिट्स पढ़ते हैं हमेशा बॉटम से अप है, ठीक है, बॉटम से टॉप है। तो यहाँ एक्स वाई की लिमिट कितनी है एक्स स्क्वेयर, और यहाँ वाई की लिमिट कितनी है एक्स, तो दैट इज एक्स स्क्वेयर टू एक्स, एट दिस एंड इट इज एक्स स्क्वेयर, एट दिस एंड इट इज एक्स, तो एक्स स्क्वेयर टू एक्स। अब इसको स्ट्रिप को घुमाना कहाँ से कहाँ तक है, स्वाइप कहाँ से कहाँ तक करना है, वर्टिकल है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ऑब्वियसली वाई की लिमिट्स मिल चुकी है, नाउ द टर्न गोज टू एक्स की लिमिट। तो इस पॉइंट पे एक्स कितना है जीरो, और इस पॉइंट पे एक्स कितना है वन, तो वी विल यूज जीरो टू वन। हमेशा लिमिट या तो लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं या बॉटम से टॉप पढ़ते हैं, लिखते हैं हमेशा नीचे से ऊपर है वो फिक्स है, लिखते हैं हमेशा नीचे से ऊपर है, बट पढ़ते कैसे हैं वो मैटर करता है, लेफ्ट टू राइट या बॉटम से टॉप। तो दैट्स हाउ वी हैव एक्सट्रैक्टेड द लिमिट्स। अब हम लिमिट्स किसकी है, ये वाई की, तो ऑब्वियसली मुझे पहले विसेक टू वाई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, करें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, जीरो टू वन एक्स स्क्वायर टू एक्स, इट्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, मुझे वाई के विसेक टू इंटीग्रेशन करनी है इसकी, तो इट्स जीरो टू वन एज इट इज, यहां वाई अकेला है, x इज ए कॉन्स्टेंट राइट नाउ बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विज़ेक टू y, तो जिसके विज़ेक टू कर रहे हैं वही वेरिएबल है, बाकी सब कॉन्स्टेंट है। तो एक्स स्केयर पड़ा रहा y का y स्केयर y टू, और लिमिट क्या पुट करेंगे एक्स स्केयर टू x प्लस x सेम है, आप बाद में भी लिख सकते हैं लिमिट्स, x सेम है और y स्केयर का आया y क्यूब बाय थ्री, तो यहां मैं इसमें अब ओवरऑल एक्स स्क्वायर टू एक्स पुट कर लूंगा, तो जीरो टू वन दैट इज हम लिमिट पुट करें, पहले एक्स पुट करेंगे दैट इज विल बी एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर पुट करेंगे दैट विल बी एक्स की पावर फोर बाय टू प्लस एक्स एज इट इज, यहां मैं पुट करूं एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स की सिक्स बाय थ्री, सिंपल डी एक्स इन द लास्ट बिकॉज वन इंटीग्रेशन इज पेंडिंग, तो इट विल सोल्व आउट टू बी एक्स क्यूब बाय टू माइनस एक्स की पावर सिक्स बाय टू प्लस एक्स की पावर फोर बाय थ्री माइनस एक्स की पावर सेवन बाय थ्री डी एक्स, दैट्स फाइन विद इट, ठीक, दैट्स गुड विद इट। तो अल्टीमेटली फाइनल सिर्फ एक्स बचा, मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, एक्स क्यूब की क्या आएगी एक्स की पावर फोर बाय फोर आएगी तो इट विल टर्न आउट टू एट, एक्स की सिक्स क्या आएगी एक्स की पावर सेवन बाय सेवन आएगी तो इट विल टर्न आउट टू फोर्टीन, एक्स की पावर फोर की क्या आएगी एक्स की पावर फाइव बाय फाइव आएगी तो इट विल टर्न आउट टू फिफ्टीन, माइनस एक्स की पावर एट बाय एट आएगा तो ट्वेंटी फोर हो जाएगा, एंड जीरो टू वन लिमिट्स आर जीरो टू वन सब में, ओके okay? तो इसमें पुट करो इट विल बी वन पुट करोगे तो एक्स की जगह तो इट विल बी वन बाय एट माइनस वन बाय फोर्टीन प्लस वन बाय फिफ्टीन माइनस वन बाय ट्वेंटी फोर, यहाँ पर लिमिट पुट होगी जीरो, लिमिट पुट करोगे जीरो तो सब जगह जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस सब जगह जीरो, तो ऑब्वियसली लोअर लिमिट में नहीं हडक नहीं है वहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम वगैरह ले लीजिए, यू विल गेट योर आंसर, होपफुली हमने इंटीग्रेशन ठीक की है इसकी, ओके यू कैन चेक आउट द इंटीग्रेशन पार्ट, द मेनली आई वॉज कंसर्न विद हाउ टू ट्रेस द कर्व्स फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव आइडेंटिफाइड द फर्स्ट कर्व दैट वाज अपर पैराबोला, सेकंड कर्व दैट वाज द स्ट्रेट लाइन, अगर मुझे उनको प्रॉपरली ड्रॉ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आइडेंटिफाई किए, अपर पैराबोला ड्रॉ किया, राइट
लाइन ड्रॉ की और दे वर कटिंग एट टू पॉइंट्स 00 और 11। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है एरिया बाउंडेड बिटवीन, तो सेकेंड पॉइंट है उनके बीच का एरिया आइडेंटिफाई किया, तो ये दिस वॉज द ओनली पार्ट विच इज बाउंडेड बिटवीन द पैराबोला एंड लाइन, तो वो आइडेंटिफाई किया। उसके बाद मेरी कॉल है कि आइदर आई विल यूज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप, इन दिस केस आई हैव यूज द वर्टिकल स्ट्रिप, तो यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप यूज की, तो आपको पता है ये लिमिट्स किसकी देगी, वाई की, बॉटम एंड पे और टॉप एंड पे। बॉटम एंड पे लिमिट्स मिलेगी आपकी पैराबोला देगा वाई की वैल्यू, और अपर एंड पे टॉप एंड पे आपको लिमिट्स देगा लाइन, तो यहाँ से वाई की वैल्यू लाइन ने दी, यहाँ वाई की वैल्यू पैराबोला ने दी। पढ़ते हैं हमेशा बॉटम से टॉप है, दैट इज एक्स के टू एक्स, एक्स के टू एक्स, और स्ट्रिप को स्वाइप कहाँ से कहाँ तक करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट पे एक्स जीरो है, इस पॉइंट पे एक्स वन है, तो जीरो टू वन सिंपली। तो उसके बाद आपको पता है लिमिट्स वेरिएबल किसकी है, वाई की, तो वी आर सपोज टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट, तो उसके वाई के रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट की, उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन की लिमिट पुट की, एंड फाइनली वी विल सॉल्व आउट द आंसर। तो दैट्स हाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी सॉल्व। अगर इसी क्वेश्चन में आपको दूसरी स्ट्रिप यूज करनी होती, लेट्स सपोज मैं बाद में एक ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करता तो क्या आता स्टेटस, देखें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपको दोनों आनी चाहिए लगानी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर मैं लगाता यहाँ पे तो दैट इज दिस वन, ओके, तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, एट द कॉर्नर्स आई एम सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देती है x की वैल्यू, तो इस पॉइंट पे x कौन देगा, पैराबोला, तो यहां से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, रूट वाई, क्योंकि इट इज पॉजिटिव साइड तो इसलिए मैंने प्लस रूट वाई लिया है, और इस पॉइंट पे x कौन देगा, लाइन, तो लाइन क्या है, y इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू y, तो यहाँ x की वैल्यू y आई, इस पॉइंट पे मुझे एक्स की वैल्यू मिली वाई, और इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू मुझे मिली रूट वाई। हमेशा पढ़ते लेफ्ट टू राइट है, तो यहाँ वाई एक्स की वैल्यू है वाई, और यहाँ एक्स की वैल्यू है रूट वाई, तो लेफ्ट टू राइट मैंने वाई टू रूट वाई, और इसको घुमाना कहाँ से कहाँ तक, स्वाइप कहाँ से कहाँ तक करना है, इस स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट पे वाई कितना है जीरो, और इस पॉइंट पे वाई कितना है वन, द सेकेंड पार्ट इज इजी, स्वाइप कहाँ से कहाँ तक करना दैट इज इजी, बट फर्स्ट पार्ट में हमेशा दिक्कत आती है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप आपको दोनों पैरेलली लगानी आनी चाहिए, इन एनी क्वेश्चन यू कैन बी आस्क्ड विद एनीवन, अगर कोई पूछा नहीं गया है तो इट्स टोटली योर चॉइस, बट इफ इट इज कंपलसरी फॉर यू फॉर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो आपको लगानी आनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ओके, दैट्स ऑल अबाउट टाइप थ्री। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ओके।